चलो भाई। अब आगे की बात शुरुआत करें। अब आगे की शुरुआत करते हैं। अभी हमने इस चैप्टर में क्या क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको सेक्शन 7 पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको शेड्यूल 1 पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो अभी हम शेड्यूल 2 की बात करते हैं। याद रखते हैं शेड्यूल 2 क्या था। शेड्यूल 2 था वो शेड्यूल जो हमें क्लैरिटी देता है कि जो जो चीज़ें सप्लाई की डेफिनेशन में आई हैं उनमें से कुछ सर्टेन चीज़ों के बारे में शेड्यूल 2 बनाया गया और बताया गया शेड्यूल 2 में कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। इनमें एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं तो हमने उनका ध्यान भी रखना। तो ये कह रहे हैं सेक्शन 7(1)(a) क्लासीफाइज सर्टेन एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस कॉन्स्टिट्यूटिंग सप्लाई आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्लासीफाई करता है। तो शेड्यूल 2 टू द CGST एक्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव बीन क्लासीफाइड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सेक्शन 7(1)(a) के साथ शेड्यूल 2 रीड किया जाता है, ठीक है ना। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एम्बिग्विटी आ रखी है, उसको हटाने के लिए ये शेड्यूल हमारे काम आता है। तो देखते हैं, चलो। सबसे पहले ये हमारा शेड्यूल 2 है, पेज नंबर आपके मॉड्यूल के 2.37 पे। सबसे पहले कह रहे हैं एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो अगर आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करा है तो भैया ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन एनी ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो भाई एक बात बताओ, मैं ट्रांसफर नहीं टाइटल नहीं कर रहा ट्रांसफर, मैं सिर्फ उसके अंदर आपको थोड़े दिन को यूज़ करने के लिए राइट्स दे रहा हूँ। तो इसे तो रेंट पे देना कहते हैं ना। तो जब गुड्स को रेंट पे दिया जाता है तो वो सर्विस होती है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ जीनियस इक्विपमेंट्स लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स। फिर आगे वो कह रहे हैं कि एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड। तो बेटा क्या ये हायर परचेज नहीं हो गया या ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं हो गया? तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफर जो होना है टाइटल का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर इसके ऊपर कोई लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड ये सब है तो ये सर्विस है भाई। अपना घर किराए पे दे रहे हो अगर आप या लीज पे दे रहे हो आप, तो उसको हम सर्विस ही बोलेंगे, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तो बेसिकली एक जगह से जॉब वर्क है कि मैं तुमसे कपड़े लेता हूँ, उन कपड़ों को काट के सिल के तुम्हें वापस कर देता हूँ। तो एक ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, तो सर्विस दे रहा हूँ ना यार तुम्हें। तो समझना है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। कपड़ा तुम्हारा था ना, तुमने मुझे दिया तो मैंने उसको काट पीट के तुम्हें वापस कर दिया, तो मैं गुड्स थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूँ। ये बात समझ में आई। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स में क्या कॉन्सेप्ट है? देखो कह रहे हैं गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाय या अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। तो आप अपने बिजनेस के एसेट्स को अलग कर रहे हो अपने बिजनेस से, अपनी मर्जी से उन्हें निकाल रहे हो अपने बिजनेस के बाहर, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे आपका कोई बिजनेस का एसेट है, ठीक है, और आप उस बिजनेस एसेट को थोड़े देर के लिए, कुछ देर के लिए बिजनेस के अलावा किसी और काम से किसी और को दे रहे हो, देखो गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस बाय अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। तो मान लो आपके पास आपकी कोई ऊबर चलाने का बिजनेस है, आपका आपकी टैक्सी बिजनेस है, आपके पास एक कार है, वो आपका बिजनेस एसेट है। आपने कुछ दिन के लिए उस कार को अपने दोस्त को दे दिया जिसको जरूरत है काम करने के लिए, और फिर आप उस एसेट को वापस ले लोगे, ये तो फिर भैया गुड्स थोड़ी सप्लाई कर रहे हो, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। कंसिडरेशन लो या ना लो, चलो। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। देखो सीधी सी बात बताता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। आप पहले टैक्सेबल पर्सन थे, आपके ऊपर GST लगता था, तो आपने जो भी गुड्स खरीदी होंगी वो गुड्स पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा, ITC लिया होगा ना। अब आज यू आर नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन बाय एन XYZ रीजंस। आपका टर्नओवर हो सकता है कम हो गया हो या आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो,
ठीक है ना, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे, तो फिर सरकार ने जो आपको पीछे क्रेडिट दे रखा है उन गुड्स का, वो सरकार आपको क्यों दे, सरकार उसे वापस लेना चाहती है। तो इसलिए जैसे ही आप नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन होंगे, तो हम मानेंगे कि आपके जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं वो सप्लाई हो गए हैं, उन पे जीएसटी रिकवर किया जाएगा आपसे। ठीक है, तो गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ रही है? तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा उसे। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, अगर बिजनेस आपने ट्रांसफर किया है एज अ गोइंग कंसर्न, या बिजनेस कोई आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है जो कि एक टैक्सेबल पर्सन है। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिफ्थ पॉइंट का बी इंपॉर्टेंट है, ए पहले एक बार पढ़ लेते हैं। रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, जैसे कि रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, परमिटिंग यूज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन। देखिए, सबसे पहले रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सिंपल है यार, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया। प्रीसिंक्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस के आसपास की जगह को आपने रेंट पे चढ़ा दिया। ठीक है, शादी पार्टी के लिए भी होता है, नहीं तो मंदिर के कुछ काम वाम के लिए होता है, दुकानें भी होती हैं कई बारी। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी आपका सब कुछ क्या है भैया, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब फाइव का बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कह रहा है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन, देखो वैसे मैं आपको बता दूं शेड्यूल थ्री आने वाला है, उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हो तो वो सप्लाई नहीं है। ठीक है, पहले तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि शेड्यूल थ्री के हिसाब से ही आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सप्लाई नहीं है अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं। लेकिन अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनने से पहले ही बेच देते हैं, बनने से पहले ही बेच देते हैं, तो फिर यहां पे वो सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा। सर बनने से पहले का क्या मतलब है, कैसे पता लगेगा वो प्रॉपर्टी बन गई है कि नहीं? बेटा बनना किसी भी प्रॉपर्टी का या ना बनना डिपेंड करता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे या फर्स्ट ऑक्यूपेशन पे। ठीक है ना, दो चीजें, विच एवर इज अर्लियर हो जाए, किस चीज चीज की, या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले आपने किसी भी प्रॉपर्टी को बेच दिया, उस पर जीएसटी लगेगा। अब इसको समझो, मान लो आज मैंने एक बिल्डर के पास गया, उसके फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे, अभी बने नहीं है, और मैंने उससे वो फ्लैट खरीद लिया, तो उस पर जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आ रही? इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। लेकिन अगर यही उसके फ्लैट्स बन चुके हैं, किसी ने खरीद लिया है और फिर मैं उसे खरीद रहा हूं, या फिर उसके फ्लैट्स बन चुके हैं, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ले चुका है, फिर मैं उसे खरीद रहा हूं, तो फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आएगा, इसे सप्लाई ही नहीं मानेंगे। क्लियर है? इसको समझे जरा ध्यान से। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बिन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ये आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो कह रहे हैं एक्सेप्ट उस केस में जब आपने फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसको बेचा है, इसके अलावा सारी सिचुएशन में वो सप्लाई और सर्विस है। तो मेरी बात समझ में आई ना? मैं पहले आपको पॉजिटिव सेंस में बता रहे थे, अब ये नेगेटिव सेंस में बता रहे हैं, दोनों तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का या पार्ट देयर ऑफ का, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली भी आता है, वो सब सर्विस है, सिवाय एक केस के। क्या केस? कि आपने जो कंसिडरेशन है, ठीक है ना, सारी की सारी वो तब रिसीव करी है जब आपको या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, या फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो चुकी हो, फिर इस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। समझ में आ रही? तब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले पार्ट में आ जाएगा। तो फिफ्थ का बी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। शेड्यूल टू का जो हमारा पैरा फाइव है और उसका पार्ट बी, ठीक है, चलो। फिर ये कह रहे हैं द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, ये सब आप रीड कर लीजिएगा, सिंपल सिंपल है। फिर आर्किटेक्ट की जो सर्विसेज हैं, चार्टर्ड इंजीनियर की जो सर्विसेज हैं, ये सब, ये अच्छा, ये वो नहीं, ये सारा वो वहाँ पे आ रहा है, उसका मतलब है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। फिर टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपका
सर्विस है। आप आईपीआर अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टेम्पररी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, अप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर भी आपका सर्विस है। बहुत सिंपल है बेटा ये। फिर अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। मतलब आप जैसे फॉर एन एग्जाम्पल दो केबल ऑपरेटर हैं, एक का एरिया ए है, एक का एरिया बी है। अब ए वाला ना इसको पैसे देता है कि तू बी वाले में कोई कनेक्शन नहीं भेजेगा, तो एक तरह से सर्विस परफॉर्म कर रहा है, नॉट टू डू समथिंग, टू रिफ्रेन, तो वो भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये बात समझ में आ रही। फिर ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, तो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फिर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जब मैं आपके घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, चाहे उसमें किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, चाहे पेंटिंग का काम चल रहा हूँ, चाहे रेनोवेशन का काम चल रहा हूँ, चाहे पूरा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको सामान भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और मैं आपको सर्विसेज भी दे रहा हूँ, तो वो टोटल में उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और शेड्यूल टू में इसको क्लासिफाई किया गया है एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की बात करें, कह रहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या है, कह रहे मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्टरेशन और कमिश्निंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ रही। वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स भी है, समझ में आ रही, जहां पे आप सामान भी दे रहे हैं। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन बींग एनी अदर मैनर व्हाट्सोएवर ऑफ गुड्स बींग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, यानी रेस्टोरेंट वाली सर्विस है, तो ये रेस्टोरेंट सर्विस है। तो कह रहे रेस्टोरेंट में भी तो हम आपको खाना भी देते हैं और हम आपको बना के भी देते हैं, तो सर्विस भी होती है, एसी चलाते हैं आपके लिए, वेटर आता है, तो सर्विस भी तो है ना। तो उस कंबाइंड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या बता दिया गया कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सिक्स्थ वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दो मेजर बातें क्लियर करी उन्होंने। कह रहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, गुड्स भी आ रही है और सर्विसेज भी आ रही हैं, ठीक है, तो उस केस में वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और रेस्टोरेंट का जो आपका खाने पीने का जो बिजनेस है, उसके अंदर आपको सामान भी दिया जाता है और बना के भी दिया जाता है, ठीक है ना। आप दाल मखनी मंगवाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि दाल नमक वगैरह मक्खन अलग से देते, कहते बना लो, बना के दिया जाता है ना, तो उसके अंदर गुड्स भी होती हैं, सर्विसेज भी होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी दी जा रही है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट याद रखेंगे और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। फिर आगे वो कह रहे हैं सेवन्थ पॉइंट में, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश और डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। देखो इसका सिंपल एग्जाम्पल बनता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, सब ने मिलकर टाटा स्काई खरीदे हैं, मान लो 200 टाटा स्काई खरीदे हैं, तो आपने नहीं खरीदे हैं, सोसाइटी ने आपके नाम से खरीदे हैं, और आप फिर सोसाइटी को पैसे देके वो टाटा स्काई के जो सेट टॉप बॉक्स हैं आप ले रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स ही तो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशनर्स टू इट्स मेंबर्स एट अ कंसेशनल प्राइस, तो ये हो गया ना फिर वही पॉइंट जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था शेड्यूल थ्री। तो शेड्यूल थ्री है भाई साहब, शेड्यूल थ्री इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लिस्ट इसको बोलते हैं। शेड्यूल थ्री पढ़ते हैं चलो। कह रहे हैं एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल थ्री कैन बी टर्म्ड नेगेटिव लिस्ट अंडर द जीएसटी रेजीम। दिस शेड्यूल स्पेसिफाइज ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज विच शैल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहला क्या है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कह रहे हैं कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं आपके एम्प्लॉई ने आपको, तो आप इसके अंदर कहीं जीएसटी का सोचने मत बैठ जाना कि सर देखो वो मेरे को सर्विसेज दे रहा है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, कंसिडरेशन है और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो सर ये तो सप्लाई होगी, तो सर मेरा एम्प्लॉय तो मुझसे जीएसटी चार्ज करना शुरू कर देगा, तो यहीं रुक जाओ बेटा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आपका एम्प्लॉयी आपको सर्विसेज देता है बदले में सैलरी लेता है, तो नेगेटिव लिस्ट में सीधा सीधा बता दिया गया है कि इसके हम जीएसटी में ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। बट यहाँ पे ना इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट पे ध्यान देना है, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट पे,
इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि मान लीजिए कि मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है ना, वो जो मेरा एम्प्लॉय है वो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, लेकिन उसका कुकिंग का भी शौक है, और मैं अपनी किसी पर्सनल पार्टी पे उसे कहता हूँ कि इफ़ यू विल केटर दिस पार्टी, वो मेरी पार्टी पे केटरिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई वो तो मेरी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा हुआ है। अगर मैं अब उससे केटरिंग का काम करवा रहा हूँ तो वो तो तनख्वाह में नहीं है ना, वो तो मेरी जॉब्स रिलेशन में नहीं है, तो अब जो मैं उसको उसके अंदर पैसे दूंगा अगर केटरिंग के लिए, तो फिर उस पर GST लग जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, एक क्लैरिटी दे रखी है, अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ट्रीटेबल एज अमाउंट पेड इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल है ये भी, कैजुअल वर्कर के बारे में बात करिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर हु गिव्स वेजेस ऑन डेली बेसिस टू द वर्कर आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वर्कर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिम आर सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय अ सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी फॉर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज टू अ क्लाइंट आर ऑल्सो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल हैं। ओनली सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाई द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द रेलम ऑफ सप्लाई। हाउएवर सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ कंसिडरेशन वुड क्वालिफाई एज अ सप्लाई, ठीक है ना, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ये बात समझ के रखिएगा, क्लियर है। चलो ये हमने बताया था, सेकेंड पॉइंट आ गया यहाँ पे कि कोर्ट, कोर्ट के बारे में बात करें, ट्राइब्यूनल के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो कोर्ट्स जो होते हैं, ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, तो वो आपको सर्विसेज देते हैं, वो आपका जो भी डिस्प्यूट आता है आप उनके पास लेके जाते हैं, वो उसको रिजॉल्व करते हैं, है ना, तो आप उन आपसे आपको वो सर्विसेज देते हैं और साथ में बदले में कोर्ट फीस लगती है थोड़ी बहुत ही, तो फिर ये भी तो डेफिनेशन में आ रहा सप्लाई की, तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया कि भैया अगर कोर्ट कोई है और कोर्ट या कोई ट्राइब्यूनल है जो आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ में आपको सर्विस नहीं मानना है उसको, ये नाइदर सर्विस है नाइदर गुड्स है। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स, ठीक है ना, कोई भी सर्विसेज। चलो फिर नेक्स्ट कहते हैं, थर्ड में ए पार्ट कह रहे हैं, अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, अगर आपने सैलरी चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एम्प्लॉयज, सो उनकी इनकम ना सैलरी में टैक्स नहीं होती, उनकी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्स होते हैं, तो फिर आप वहाँ पे आ जाओगे, सर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, फिर तो वहाँ पे तो GST लगना चाहिए, क्योंकि भैया वो कुछ पैसे तो लेते ही हैं सरकार से काम करने के, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, और उसके बदले में वो सर्विसेज देते हैं, तो सर वो GST भी चार्ज करें फिर सरकार से, नहीं, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में आ गए। फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज या मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, इनके ऊपर GST लगेगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। अब भैया प्राइम मिनिस्टर है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये सारी पोस्ट्स हैं। अच्छा, ये पोस्ट्स जो हैं ऐसे नहीं है कि ये कोई अलग से ओहदे हैं, नौकरी कर रहे हैं ये लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई पोस्ट्स हैं, जैसे स्पीकर होते हैं आपके लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उनकी जो पोस्ट्स हैं वो वाले लोग भी, अब ये इलेक्टेड नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूरी नहीं है हो या ना हो, तो इनके द्वारा दी गई सर्विसेज को भी हम सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं ला रहे हैं, ठीक है, आप ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन बॉडी एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज। तो कोई भी आपके बॉडीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हैं और उनके अंदर कोई भी चेयरपर्सन बना देते हैं, कोई भी मेंबर बना देते हैं, तो फिर वहां पे भी उनके द्वारा जो दी गई सर्विसेज हैं वो भी आपकी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आती, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट अगर बने तो फोर्थ पॉइंट में वही कह रहे हैं कि भैया सारी ज़िंदगी आपने टैक्स दे दिया, ठीक है, खाने पे टैक्स, सांस लेने पे टैक्स, अब मरने पे टैक्स नहीं है, तो जब आप मरेंगे तो आपकी जो बॉडी के साथ किया जाएगा, फ्यूनरल किया जाएगा, फ्यूनरल समझते हैं आप, ब्यूरियल, दफनाया जाएगा, क्रेमेटोरियम, जलाया जाएगा, मोर्चरी बेटा वो जलम्बे लंबे फ्रिज नहीं होते CID में, उसमें रख दिया जाएगा, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, इन किसी भी सर्विसेज पे GST नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में है, समझ में आ रही।
Fifth, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, बताया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था। देखो सेल ऑफ लैंड तो पहले कह रहे हैं है ही नहीं, सेल ऑफ लैंड तो आपका है ही नहीं सप्लाई, ठीक है ना, वो नेगेटिव लिस्ट में मैंने पहले ही बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। और सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B, और 5B मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, 5B मैंने पढ़ाया था कि अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी दोनों में से कोई भी चीज जब एक पहले हो जाती है उससे पहले अगर आप खरीदते हैं घर, पैसे मिलते हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे वो कह रहे हैं एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, बेटा एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं उन पे कोई GST नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स आपका चेक भी एक्शनेबल क्लेम होता है, और कोई इंश्योरेंस मनी या अरियर्स ऑफ रेंट, ये सब चीज़ें आपके एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, उन पे कोई GST नहीं है। हाँ लॉटरी वगैरह पे GST है वो ये बता रहे हैं। तो दिस पैरा शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग फ्रॉम द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो अगर हम ये पूरा ओवरऑल देखें तो सीधी सीधी बात है, एक्शनेबल क्लेम्स को आप हटा दीजिए, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रहेगा। हाँ तो ये हमारा पॉइंट आ गया जहाँ पे हम शेड्यूल 3 कह सकते हैं हमारा निपट गया, यानी हमारा जो क्या आप कह सकते हैं नेगेटिव लिस्ट है, जो नेगेटिव लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई बेटा, ठीक है। इस चैप्टर को अब एक बारी पूरा थरो रीड कीजिए, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप इसको रीड करें, मैंने मेजरली मेजरली आपको शेड्यूल 3 भी करा दिया है। इसके बाद अब आगे बढ़ें अगर हम, तो सेक्शन 8 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, चलो।